चीचा वतनी कमारिया रोड पर इंतहाई अफसोसनाक हादसा। चीचा वतनी कमारिया रोड पर वैन हादसा में तीन मुसाफिर जान बहक। चीचा वतनी कमारिया रोड अलमारूफ नज़्द खानदा जग के करीब तेज रफ्तारी के बायस वैन उलट गई, जिससे दो खवातीन और एक मर्द मौका पर ही जान बहक हो गए। जख्मी मुसाफिरों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि बाकी मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। वैन में दो बच्चों समेत 12 अफराद सवार थे। वैन फैसलाबाद से विहाड़ी जा रही थी। वैन में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। जान बहक होने वालों में फरीदा बीबी जौजा फारूक भट्ट उम्र 45 साल, खालदा बीबी जौजा शाहद भट्ट उम्र 54 साल, अब्दुर्रव्वल अब्दुल मजीद भट्ट उम्र 50 साल शामिल हैं। वैन में समार तमाम अफराद विहाड़ी के रहायशी थे, जो फैसलाबाद से विहाड़ी जा रहे थे। जख्मियों को टीएच के अस्पताल चीचा वतनी शिफ्ट करवा दिया गया। याद रहे कि चीचा वतनी कमालिया रोड सिंगल रोड होने की वजह से आए रोज बड़े हादसा रूनुमा होते रहते हैं। हर साल सैकड़ों अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं, जबकि हजारों मुसाफर और राहगीर जख्मी हुए हैं। अवामी हल्कों की तरफ से बारहा इस रोड को वन वे करने का मुतालबा भी किया गया, ताकि हादसात और कीमती जानों को बचाया जा सके। मगर इस दौरे हुकूमत में भी इस रोड को वन वे नहीं किया जा सका, जो कि तब्दीली सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। कैमरामैन यासर लतीफ के साथ जफर इकबाल अंसारी, चीचा वतनी।